हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंकलिंग स्टाइल एंड फैशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना क्रिएट अ मेकअप लुक, और इट्स अ चैलेंज, आप इसको चैलेंज भी बोल सकते हैं। मैं आज ऐसे मेकअप चैलेंज करने जा रही हूँ जहाँ पे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ये सारे मेकअप चैलेंज में आज मैं जो भी सब प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो सुपर अफोर्डेबल होने वाला है। लाइक इट्स सारे प्रोडक्ट का कॉस्ट 150 से नीचे रहेगा, स्ट्रिक्टली 150 से नीचे रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट 150 से ऊपर मैं यूज नहीं करूंगी। लाइक MRP रह सकता है पर आपको वो 150 के नीचे ही मिल जाएगा। मैं सारे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके एंड आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। सो रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मैं 500 का एक मतलब फैमिली पूरा की हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड जल्दी जल्दी मेरे को और भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर मेरा हो जाए। सो आप देख सकते हैं ये जो मेकअप लुक है ये वाला मैं मतलब वही सारे प्रोडक्ट से ही बनाई हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू वी विल स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट आई एम गोना से दैट ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि मेकअप इज ऑल अबाउट कॉस्टली थिंग। मेकअप करना मतलब कॉस्टली मतलब चीप चीज़ों में मेकअप नहीं हो सकता है। अगर आपको मेकअप करना आता है तो आप सब चीज़ में मेकअप कर सकते हैं। मेकअप करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपको सही ढंग से करना आता है तो। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे फ्रेंड्स जो भी है जिन लोगों को मेकअप करना बहुत पसंद है पर ड्यू टू बजट प्रॉब्लम वो लोग नहीं कर सकते वो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे नॉलेज मिल सकते हैं इस वीडियो से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड द मेकअप। तो इस डिब्बे में सारा का सारा कलेक्शन में रखी हूँ जो भी अंडर 150 रुपीज का मेकअप लुक मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ। सो मेकअप का जो मेन चीज होता है जो हम स्टार्टिंग करते हैं जिससे जो कि आप बोल सकते हैं टोनर या फिर फेस मिस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है गुड वाइब्स का मिस्ट नेरोली रिवाइटलेटिंग मिस्ट है। एंड जो सेकेंड वाला ऑप्शन है मेरे पास ये आल्प्स गुडनेस का रोज टोनर है। इसका जो कॉस्ट है वो है 125 रुपीज एंड जो कि बिलो 150 के आ जाता है। एंड इसका जो कॉस्ट है मिस्ट का वो 150 रुपया है पर ये मेरे को 110 रुपीज में मिला था। सो विल स्टार्ट आवर मेकअप बाय दिस टोनर। मैं आज ये वाला टोनर यूज कर रही हूँ। तो अब हम टोनर लगा चुके हैं एंड नाउ वी विल यूज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए अंडर 150 बहुत सारे ऑप्शन से पर जो मैं आज यूज करने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल जो कि है आल्प्स गुडनेस का एलोवेरा जेल। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एलोवेरा जेल है एंड इट कॉस्ट फॉर ₹99। इट्स ऑसम, ₹99 में एलोवेरा जेल आपको मिल जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो यू कैन यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर। सो नेक्स्ट जो हमें मेकअप में चाहिए होता है वो है प्राइमर एंड प्राइमर के लिए मैं आज ली हूँ ये NYBE का प्राइमर है एंड NYBE का बहुत सारा चीज मैं आज यूज करने वाली हूँ उसके रेंज में। इतना सारा तो नहीं जितना मेरे पास है मैं उसको यूज करने वाली हूँ जो कि अफोर्डेबल रेंज में सुपर अमेजिंग है। तो मैं ये NYBE का प्राइमर अभी यूज कर रही हूँ जिसका कॉस्ट है 225 पर ये आपको डिस्काउंट में हमेशा 150 के अंदर मिल जाएगा। हमेशा सेल लगा रहता है पर्पल में और ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। जिसको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइमर हाथ में लेके अभी हम उसको अप्लाई करेंगे। स्पेशली प्राइमर टी जोन में अप्लाई होता है और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो तो कभी प्राइमर को मतलब मिस नहीं करना चाहिए नहीं तो आपका मेकअप खराब हो सकता है। अभी हम यूज करने वाले हैं फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए भी 150 रुपए के नीचे मेरे पास दो ऑप्शन है। जो फर्स्ट वाला है वो है ये है स्टेकवर्की का लिक्विड फाउंडेशन जो कि अच्छा है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, मैं ये फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा इसका फॉर्मूला है। एंड जो सेकेंड है मेरे पास दिस ये है लैक्मी का एक फाउंडेशन। मैं जब ये वाला वीडियो करने को सोची थी तो मैं बहुत सर्च की थी 150 के नीचे का फाउंडेशन।
सो ये वाला फेस मैजिक स्किन टिंट समथिंग कुछ है। इसका जो कॉस्ट है 165 रुपीज का है, ये पर 120 में मिल जाता है मतलब इजीली। एंड जो स्टेपवर्की का फाउंडेशन है इट्स कॉस्ट फॉर रुपीज 165, वो ये भी 150 के नीचे मिल जाता है। सो वन मोर थिंग यू कैन यूज एज अ फाउंडेशन इन योर मेकअप लाइक इन योर अफोर्डेबल मेकअप, सो जो कि है दिस, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है कॉलेज के टाइम से लेके अभी तक। जब भी मैं कहाँ भी बाहर जाता हूँ मेरे को फाउंडेशन ज़्यादा लगाना पसंद नहीं है, तो मैं फटाक से ये अप्लाई कर देती हूँ, पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फाउंडेशन। तो मैं आज ये वाला अप्लाई करके देख रही हूँ स्टेपवर्की का फाउंडेशन कैसा है क्या है। ओके, इसमें एक पंप रहता है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरे शेड में होगा कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो फाइनल लुक टर्न आउट होता है आपको ये पर्सनली कैसा लगा। आप भी देख सकते हैं, आई थिंक सो इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है कवरेज इसका। वैसे भी मैं कंसीलर लगाने वाली हूँ, नाउ आई एम गोना अप्लाई कंसीलर। सो कंसीलर में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 150 के नीचे मिल जाएंगे, पर मुझे जो मैं पिक की हूँ आज वो है दिस, ये है NYB का कंसीलर। ये कंसीलर या कॉन्टर स्टिक है, इसका मतलब कॉन्टर भी चाहे आप तो इसका डार्कर शेड ले सकते हैं। ये लिपस्टिक के जैसे दिखता है, सो वी गोना ट्राई दिस। पता नहीं क्रीम वाला है, वैसे तो मैं क्रीम वाला अप्लाई नहीं करती हूँ कभी ज्यादातर, फिर सी क्या होता है, जस्ट सी के क्या होता है कैसा दिखता है। थोड़ा थोड़ा कंसीलर में अप्लाई कर दे रही हूँ सब जगह। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोना यूज इज आई शेडो। सो आई शेडो के लिए मेरे पास फर्स्ट में एक मेरे पास ये पैलेट है, ये वाला पैलेट है मेरे पास जो कि मैं मार्स का है, मैं ये लोकल मार्केट से ली थी। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन मेरे पास है आई शेडो के लिए वो है दिस। ये NYB का सिंगल आई शेडो है, इसमें से मेरे पास 5 कलर्स है जो कि 100 रुपीज में आ जाता है एक शेड को। इसमें से मेरे पास 5 कलर्स है, एज यू ऑल कैन सी दिस। इसका अगर किसी को भी रिव्यू चाहिए मैं अलग से इसका रिव्यू बना दूंगी। सो टुडे आई एम गोना यूज दिस ऑल आई शेडो, आप इससे एक एक करके पिक कर सकते हैं। नहीं ओके, आई होप यू ऑल कैन सी दिस, गिर जाएगा। सो ये लाइट पिंक वाला शेड लेके मैं अपने पूरे क्रीज में अप्लाई करने वाली हूँ। बनाना चाहती हूँ पर्पल एंड पिंक का, देखते क्या टर्न आउट होता है दिस शेड। सो इसमें से थोड़ा पर्पल शेड लेके हम मतलब साइड में अप्लाई करेंगे आउटर वी में और इसको स्मच करके अंदर तक लाएंगे एंड वी विल सी के क्या टर्न आउट होता है। सो एज यू ऑल कैन से दिस के बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब लुक टर्न आउट हुआ है इसके थ्रू। सो अभी मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर में अपना अप्लाई करूंगी मतलब कुछ शिमरी सेट जो कि मेरे पास तो नहीं है कुछ और। सो वी कैन यूज दिस पैलेट, ये मार्स का पैलेट लेके इससे ये जो व्हाइट कलर का इसका सिल्वर कलर का है इससे थोड़ा मैं अपना इनर कॉर्नर में अप्लाई कर दूंगी थोड़ा सा। ओके, सो आज मैं काजल के लिए काजल नहीं आईब्रो पेंसिल के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेम NYB का ये वाला पेंसिल, एज यू ऑल कैन सी दिस। ये वाला मैं पहले कभी यूज नहीं की हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। आई एम गोना यूज दिस आईब्रो पेंसिल, इसको ज्यादा डार्क नहीं कर थोड़ा सा।
देख सकते हैं कुछ खराब नहीं लग रहा है. सो नाउ व्हाट आई एम गोना यूज इज दिस आईलाइनर. आईलाइनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. मैं एक लैक्मी का आईलाइनर ली हूँ, वाटरप्रूफ आईलाइनर. ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है. थोड़ा टाइम लगता है सूखने के लिए पर बहुत ही अच्छा है. सेकेंड आई हैव टेकन योर एनवाई बे का आईलाइनर. आप इस दोनों में से कोई भी एक आईलाइनर पिक कर सकते हैं. मैं आज लैक्मी का आईलाइनर यूज करूंगी. सो नाउ व्हाट आई एम गोना यूज इज मस्कारा. मस्कारा के लिए मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ा मस्कारा, लाइक 150 के नीचे मस्कारा कौन सा मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का भी होना चाहिए. सो देन बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ये वाला मस्कारा मिला. इट्स इनसाइड मेकअप एसेंशियल मस्कारा एंड इट्स कॉस्ट फॉर रुपीज 110 वेली. और ये उससे भी सस्ते में मिल, जिसके ऊपर ये वाला है जिससे कि आप आईब्रो को लाइक अपने आईब्रो को कोम कर सकते हैं. और मस्कारा को तो नहीं, आईब्रो के लिए है. और एक साइड कोम भी है, वो आईब्रो कोम मतलब वो करने वाला. सो मस्कारा जो मैं ये पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, स्टे करता है बहुत टाइम. और अब आपके लैशेस को भी एक ड्रामेटिक लुक प्रोवाइड करेगा ये मस्कारा. काजल के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ ये फेसेस कनाडा का काजल, जो कि बहुत ही अच्छा है. और ये भी मेरे को 150 के नीचे ही मिला था. सारे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. जो बेस्ट रहता है 150 के नीचे, एनवाई बे का लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है. लाइक 150 के नीचे आपको इतना बड़ा बड़ा लिपस्टिक मिलता है, लिक्विड लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत टाइम तक स्टे करता है. आई एम गोना यूज दिस लिपस्टिक टुडे. इसका जो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्वॉचेस करके दिखा रही हूँ. ये बहुत ही मेट फॉर्मूला में है एंड इसका कलर ना इतना मस्त है. ओके सो दिस शेड इज नॉट बैड. पर मैं उसके ऊपर सोच रही हूँ कि ये एनवाई पे का ये लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई कर लेते हैं और भी अच्छा लगेगा. फैक्ट जो मैं बोल रही थी जिसके बारे में, वो है दिस मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट. इट्स कॉस्ट फॉर ₹199 पर ही ऑफर में आपको 150 के आसपास मिल ही जाएगा. शायद मैं भी ली थी 150 के आसपास. सो आई थिंक सो मेरे मेकअप ऑलमोस्ट डन है. मैं एक सेकेंड में रेडी होके आती हूँ, फिर आप मेरे को देखिएगा. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. So I hope आप सबको ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा. आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए मत भूलिएगा. वीडियो को और ज्यादा लेंदी मैं नहीं करूंगी, यहाँ पे एंड करूंगी. ऐसे आपको अगर कुछ और वीडियो देखना है तो मेरे को जरूर मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.